क्लास 8 मैथ क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। एक पासे के फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको बताना है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। 1/2 अभाज्य संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगता है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों 20, 28, 10 और 18 का परिसर क्या होगा? परिसर आपको बताना है, तो परिसर हो जाएगा आपको, यहाँ पर है आपका 28 और सबसे छोटा है आपका 10, सबसे बड़ा 28 है और 10, दोनों का अंतर कितना होगा? तो 18। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10-15 का मान होगा, 25 है, तो 10 में से आपको 25 घटाना है, तो घटाना है लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है, तो -15 हो जाएगा, तो ग नंबर आंसर हो गया। किसी षष्ठ भुज के सभी अंत कोणों का योगफल कितना होगा? षष्ठ भुज है तो षष्ठ भुज हो जाएगा आपका 720 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, आपको मिलान करना है। a+b के होल स्क्वायर तो होता है a² + b² + 2ab। a-b के होल स्क्वायर तो a² + b² - 2ab। a² - b² तो होता है a+b × a-b, तो 6 नंबर। किसी भी संख्या के पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सम संख्या का एक घन होगा, तो सम संख्या का घन समय होता है, जैसे 2 का घन कीजिएगा तो 8 होता है, तो सम आया। 3 है √64, तो ये 4 के क्यूब है, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। 2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2। घनमूल का संकेत ये है आपका, घनमूल ये होता है वर्गमूल का, और इस तरह से हो जाता है यहाँ 3 लिखने पर घनमूल का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 चर राशियों का संबंध ऐसा हो कि एक का मान बढ़ने या घटने पर दूसरे का मान अनुपात में बढ़ता या घटता है, तो क्या कहलाता है? तो अनुक्रमानुपाती कहलाता है। 2 के पावर -1 है, +2 के पावर -2 है, तो हो जाएगा 1/2 और +1/2² यानी कि 1/4। एलसीएम हो गया 4, तो 2+1 यानी कि 3/4 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 3/4। सम संख्या का वर्ग क्या होगा? सम संख्या का वर्ग समय होता है, 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा ना, और फिर 4 के स्क्वायर 16। -1 के पावर -4 है, ठीक है, तो इसका मान -1 के पावर है 4, तो हो जाएगा 1/-1 के पावर 4 है, यहाँ सम संख्या है, तो 4 बार लिखेंगे, सम संख्या में माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो 1 आंसर हो जाएगा।